परीक्षा का 100% परिणाम देने में अब सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों के बराबर में आ खड़े हो गए हैं, बल्कि यह स्कूल निजी स्कूलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका उदाहरण करनाल के इंद्रिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना बना है, जिसमें 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 100% रहे, जिससे स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल में मिठाई बांटकर खुशी इजहार की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने बताया कि स्कूल का परिणाम 100% रहा है, जिसको लेकर स्कूल के अध्यापकों, बच्चों व अभिभावकों में उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कुल 55 बच्चों में से 14 बच्चे विज्ञान संकाय व 41 बच्चे आर्ट संकाय के थे, जिनमें से 32 बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया है। उन्होंने बताया कि साइंस संकाय में निशांत कांबोज ने कुल 500 अंकों में से 481 व प्रिया ने 467 व श्रुति ने 457 अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार से आर्ट्स संकाय में दीपा ने 464 व मनीषा ने 461 व सोनिया ने 452 अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों का परिणाम पिछले कई वर्षों से अव्वल आ रहा है, जिसका सारा श्रेय अध्यापकों की मेहनत व लगन को जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों की कड़ी मेहनत व अभिभावकों के सहयोग का मिलना भी है। अव्वल रहने वाले छात्र निशांत व प्रिया ने कहा कि वह आगे चलकर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों को व उनकी कड़ी मेहनत व अभिभावकों को सहयोग को दिया है। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। माय नेम इज प्रिया, आई गॉट 93.4 मार्क्स एंड आई एम फ्रॉम कमालपुर। ये जो मेरे मार्क्स आए हैं, मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत सहयोग है और मेरे टीचर्स इतनी मेहनत करवाते थे। मतलब मैं तो शुरू से ही सरकारी स्कूल में ही हूँ और 5th तक मैंने प्राइवेट किया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट से ही पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छे स्टडी कराते हैं। थीम लोगों का ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा कराते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी अच्छा कराते हैं, पर गवर्नमेंट टीचर में टीचर्स इसने डेडिकेटेड पेरेंट्स को फ़ोन कर करके बोलते हैं और अब भी व्हाट्सअप पे ऑनलाइन काम भेजते हैं। मतलब कोई कमी नहीं है, लेकिन वेल डन, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। सर, स्कूल का रिजल्ट प्लस टू का 100% रहा है और बयाना के इतिहास में ये अब तक का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हमारे बच्चे साइंस में सारे बच्चे पास हैं, आर्ट्स में सारे बच्चे पास हैं और 49 बच्चों की हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न है और 19 बच्चों की मेरिट है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। पिछले 4 सालों में विद्यालय ने बहुत तरक्की की है और लगातार ग्रेजुअली रिजल्ट बढ़ता गया और आज ये अवस्था है कि हमारा रिजल्ट पूरे ब्लॉक में तकरीबन सबसे बढ़िया रहा और पिछले 10वीं में भी हमारा बच्चा ब्लॉक में टॉपर रहा है, आदित्य, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी ये बच्चा निशांत जो है, जिसने 96.2 नंबर लिए हैं, ये इस बार भी शायद ब्लॉक में फर्स्ट होगा। सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को और सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ हमारे जो अध्यापक हैं लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, बच्चों के घर तक के फ़ोन कर करके उनसे फीडबैक्स लेते हैं, उनको व्हाट्सएप पे काम दे रहे हैं और जो बच्चे थोड़ा बहुत कमज़ोर है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और इसका नतीजा है कि रिजल्ट इतना बढ़िया आया। सर, जब से मैं आया हूँ 2017 में मैं आया हूँ और 2017 से लेके और आज 2020 है, तकरीबन हर साल मेरे विद्यालय में 10-15 बच्चे, 20 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हमारे विद्यालय में शिक्षा लेने आते हैं और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि तकरीबन हमारे जो साइंस स्ट्रीम है वो 50 बच्चों से ज़्यादा ऊपर हो जाएगी और तकरीबन उसमें प्राइवेट के बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो ये कहना है कि साहब सरकारी में पढ़ाई नहीं है, यदि पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में एडमिशन नहीं ले रहे होते। टोटल स्ट्रेंथ हमारी 523 है और प्लस वन टू में मोर देन 100 बच्चे हैं, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम हमारे पास हैं और तीनों में बहुत क्वालिफाइड और बड़े अनुभवी टीचर्स हैं हमारे पास। माय नेम इज़ निशांत कांबोज एंड आई गोट 96.2% इन 12th स्टैंडर्ड। आई एम फ्रॉम
नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जो इस मेरे जितने भी मार्क्स हैं मैं इनका क्रेडिट अपने स्पेशली अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, बिकॉज इससे पहले मैंने जैसे यहाँ एक साल पहले यहाँ एडमिशन लिया उससे पहले मैंने जो पूरी स्टडी थी मेरी प्राइवेट स्कूल से थी, तब मुझे कुछ सोच थी मेरी कि भी सरकारी स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई अच्छी नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, लेकिन जब मैं आया तो मैं पूरा शौक था टीचर्स सभी टीचर्स जो है वो वेल क्वालिफाइड है, बल्कि वेल डेडिकेटेड और वेल एजुकेटेड, मतलब इतना हार्ड वर्क कराते हैं शायद आपको प्राइवेट स्कूल में ऐसे टीचर ना मिले, बहुत अच्छे टीचर। और आज जो मेरे मार्क्स है वो सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से हैं, मतलब सिक्स अबव 90% क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को दूंगा जिनकी वजह से मैं आज इतने अच्छे मार्क्स ले पाया हूँ। तो क्या थीम है आगे, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आगे के लिए मैंने अभी BSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे वो इस एंट्रेंस में अच्छे से अच्छे मैं मार्क्स लेके BSc एग्रीकल्चर करूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.